ये देखिए दोस्तों, पक्की पक्की आम मिल गए हैं। अब जो है इन्हें लपोड़ते हैं। बहुत आम ही आम है। प्रांजल पत्थर नहीं फेंक ले, आम बहुत है इधर। ये देखिए दोस्तों, क्लोज करके दिखाना चाहेंगे हम आपको। ये है जंगली जामुन। ये देखिए गुलाब जामुन, गुलाब जामुन कह लो या फिर जंगली जामुन कह लो। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से जो है जंगली जामुन रहते हैं। दोस्तों ये मेरे जिंदगी का पहला आम सोने का दाम। क्या कहते विहान के पापा इसको? जामुन। जामुन और गढ़वाली में क्या कहते? जंगली जामुन। फले, फले। गुलाब जामुन। दोस्तों गढ़वाल में इसे जो है फलेन कहते हैं। ये रहा आम का पेड़। हाँ ये आम का पेड़ है, लेकिन आम एक नहीं है, पेड़ ही पेड़ है। कहाँ है? देखो पेड़ पे चढ़ के देखो, धुंध लगी है। पर अभी जो है बारिश के कारण दोस्तों पेड़ पे चढ़ना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है फलैनी है, उसे हम जो है ले जाएंगे। तो अभी जो है दोस्तों, हम ये जंगली जामुन लेने वाले थे, लेकिन विहान के पापा ने जो है मना कर दिया है। क्लोज करके दिखाना चाहेंगे हम आपको। ये है जंगली जामुन। ये देखिए गुलाब जामुन, गुलाब जामुन कह लो या फिर जंगली जामुन कह लो। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से जो है जंगली जामुन रहते हैं। कच्चे हैं ये? कच्चे है ना, अभी पक्के नीचे जाएंगे ना। ये तो आपको दिखा रहे दोस्तों, ये तो थोड़ा एक शाखा जो है इसकी टूट रखी है पेड़ की। ये बहुत बड़ी शाखा है कि ये वाले पेड़ दिख रहे हैं। ये शाल के पेड़ है। और अभी जो है हम कहाँ जा रहे हैं मुझे कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है। नीचे से एक फलेंडा डाल के आम का साथ में, या आम भी बहुत है, फलेंडा बहुत है। कहाँ जैसे? और साथ के चढ़ने के लिए। चलो तो कितना दूर है? यहीं पे है, नीचे है। वहाँ पे तो है भी नहीं, हम तो मुड़ी ना जाएगा। चलो तो थोड़ा ही दूर होगा ना। चलो बहुत दूर तो नहीं है ये, इतना दूर जहाँ आम के पेड़ के पास है वही। चलो तो पानी कहाँ आ रहा है? ये जो नीचे दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे गदेरा है, और विहान के पापा जो है पीछे सामान लेके आ रहे हैं अभी। और जो है पेड़ भी एक पौधा होता है दोस्तों, उसे गौंची कहा जाता है। उसमें अगर अगर आपका हाथ लग जाए तो उससे जो है बहुत ज्यादा खुजली होने लग जाती है, बहुत ज्यादा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अगर हमें सामने नजर। पानी कहाँ आ रहा है? ये जो नीचे दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे गदेरा है, और विहान के पापा जो है पीछे सामान लेके आ रहे हैं अभी। और जो है पेड़ भी एक पौधा होता है दोस्तों, उसे गौंची कहा जाता है। उसमें अगर अगर आपका हाथ लग जाए तो उससे जो है बहुत ज्यादा खुजली होने लग जाती है, बहुत ज्यादा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अगर हमें सामने नजर आया तो। ये देखिए दोस्तों, पक्की पक्की आम मिल गए हैं। अब जो है इन्हें लपोड़ते हैं। तुमने तो हमने तो बक्का निकाल के खाया। तो मैं भी तो ऐसे ही कर रही हूं। कहां आपने तो पहले दांत बुराया। कोई बात नहीं यार, चलो ना यार, चलो। मेरे सिर में नहीं फेंकना था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आम जो है हमने यहाँ देखिए आप थैली में भर दिए हमने आम, और ये लोग तो खाने भी मिस गए हैं यहाँ पे। जाते हैं हम, इसे जो है तुरड़िया कहा जाता है। और मैं आपको एक मजेदार सी बात और बताना चाह रही हूँ दोस्तों, जिस रास्ते से हम जो है अभी जा रहे हैं, विहान के पापा का स्कूल जाने का रास्ता भी यही है। जब ये स्कूल पढ़ते थे, स्कूल के लिए जो है इसी रास्ते से होकर बहुत दूर जाते थे दोस्तों। इनका स्कूल जो है लगभग एक घंटे का रास्ता है गाँव से, तो इस रास्ते से होकर जो ये जाते थे, उस टाइम तो रास्ता भी बहुत खराब था। अभी तो थोड़ा दोस्तों आज जो है बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा है हमें इस तरह से घूमने में। ये देखिए चारों ओर हरियाली ही हरियाली, और आगे भी जा रहे हैं, इधर भी है, और बारिश से जो है दोस्तों सारे भीगे हुए हैं हम लोग। तो
पर पता नहीं दोस्तों क्या करने लग गए, बोले कि अंजू देखो मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, अपना जंगली टैटू। जंगली टैटू दिखाने वाले हैं विहान के पापा। वाव शो मी, ये देखिए दोस्तों, वाव कितनी अच्छी तरह से ये छप गया है दोस्तों। सामने से मैं आपको दिखाऊं, दिखा रहा हूँ एक मिनट, ये देखिए वाव। आप मेरे हाथ में चिपका के देखना व्यू के पापा, ये देखिए इसमें था नहीं। वाव ये देखिए दोस्तों किस तरह से ये छप भी रहा है, और देखिए ये देखिए विहान के पापा जो है यहाँ छाप के देख रहे हैं दोस्तों। वाव ये देखिए दोस्तों, बहुमाल्य का जो टैटू रहता है दोस्तों लगभग ऐसे ही कुछ रहता है, उसके लिए जो है लोगों दोस्तों कितने कितने पैसे खर्च करते हैं, ये देखिए इस तरह से ही वो टैटू होता है। ऐसे ही मिल जाते हैं। अब हाँ। यार बहुत दूर आ गए हम, है क्या ये देखिए दोस्तों, वाव दिखते ही कितने सारे आम दिख गए हमें, ये बात जो है बहुत अच्छी है। और हम अभी इससे जो है झाड़ के भी देखेंगे, बहुत सारे आम निकलेंगे। एक टाइम ना व्यू के पापा हमने यहाँ से बस किल भी लिए थे बहुत पहले, एक साल। ये देखिए कितने सारे आम हैं, बहुत। ये देखिए दोस्तों यहाँ दीक्षा जो है आम उठा रही है, यहाँ पे जो है बहुत सारे आम है, सबको हम इकट्ठे करके घर ले जाएंगे। थैले में थैला ले आया है वो, हाँ ले आया, इधर भी है आम। ये देखिए दोस्तों दीक्षा कितने सारे आम ले रखे दीक्षा ने, वाह दोस्तों। ये जो है जामुन, अब आपको जामुन दिखाएंगे दोस्तों, जामुन यहाँ पे पके हुए जामुन है, ये देखिए। बहुत सारे जामुन आ गए दोस्तों, जामुन जो है इतने सारे लगे हुए कि क्या बताएं। वाह हाँ जी, चलो दोस्तों आज की वीडियो की समाप्ति यहीं करते हैं घर जाते जाते, और आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है दोस्तों, भीगने के बाद जो है इतनी बारिश में आपके लिए ये वीडियो आई है, और बहुत बुरा हाल हुआ फिर भी जो है आपके लिए वीडियो शेयर की है दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ऐसी ही मज़ेदार सी वीडियो के साथ आपके बीच में मिलती रहूँगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय।